जय किसान साथियों, डॉक्टर पुनीत सिसोदिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नाइट्रोजन हमारी फसलों के लिए कितना आवश्यक है ये तो आप सब जानते ही हैं। पौधे की अच्छी बढ़वार, अच्छी विकास और अच्छी पैदावार के लिए नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम फसलों में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया, NPK इत्यादि खादों का प्रयोग करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो हम प्रयोग करते हैं यूरिया का करते हैं, क्योंकि यूरिया हमें सस्ते में मिल जाता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, यूरिया के अंधाधुंध प्रयोग से, लगातार प्रयोग से हमारी जो भूमि है वो बंजर होने की कगार पर है। भूमि की जो फर्टिलिटी है, उर्वरा शक्ति है, वो लगातार कम हो रही है। भूमि में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, वो भी लगातार ख़त्म होते जा रहे हैं। भूमि की पोरोसिटी कम होती जा रही है, यानी कि हमारी सॉइल जो है वो हार्ड होती जा रही है। भूमि की जल धारण क्षमता घट रही है। तो ये काफ़ी सारे दुष्परिणाम हमें अपनी सॉइल में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हमारी समस्या ये है, यदि हम नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारी जो फसल है वो अच्छी नहीं होती है। इसलिए हमें नाइट्रोजन का प्रयोग करना पड़ता है, और यूरिया का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि यूरिया हमें काफ़ी सस्ते में पड़ जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं जिससे हमारे पौधों में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाए और हमें जो ये यूरिया है इनका प्रयोग ना करना पड़े, हम अपनी भूमि को बंजर होने से बचा सकें। तो उसके लिए एक तरीका है कि जैसा कि आप जानते हैं, हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होती है। तो हम उस नाइट्रोजन का प्रयोग अपने फसलों में नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें ज़रूरत होती है राइजोबियम कल्चर की। राइजोबियम कल्चर से हमारा जो बीज होता है, जब हम किसी भी दलहनी फसल की बुवाई करते हैं तो उसके बीज को उपचारित करके यदि हम बोते हैं राइजोबियम कल्चर से, तो उस कल्चर में राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है जो हमारी भूमि में जड़ों के पास ग्रंथियों में रहता है, और जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है उसको जमीन के अंदर अमोनिया के रूप में फिक्स करता रहता है, जिसको पौधे नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति के लिए वो ले लेते हैं। इससे हम नाइट्रोजन जो हमारे तत्व की पूर्ति काफ़ी हद तक अपने पौधे में कर सकते हैं। इससे हम अपनी भूमि को बंजर होने से बचा सकते हैं। उसके साथ साथ ये जो जीवाणु होता है, राइजोबियम जीवाणु जो होता है, ये नाइट्रोजन तो उपलब्ध कराता ही है वायुमंडल से। उसके साथ साथ जो हमारा फास्फोरस एग्लुलेंसिल अवस्था में हमारी भूमि में पड़ा रहता है, उसको भी पौधे के लिए अवेलेबल फॉर्म में उपलब्ध कराता है। तो इससे नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति लगभग हमारे पौधे में हो जाती है। और ये तरीका एकदम सेफ़ होता है, क्योंकि जो पौधा नाइट्रोजन लेता है वो एकदम नेचुरल तरीके से लेता है। तो इसके वातावरण में या हमारी सॉइल पर या मानव हेल्थ पर कोई भी दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं, ये एकदम सेफ होता है। तो हम इस ये जो कल्चर होता है इसका प्रयोग कैसे करते हैं ये भी जान लेते हैं। देखिए, हमें अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग कल्चर की आवश्यकता होती है। जैसे हम दलहनी फसलों की बुवाई कर रहे हैं तो उसमें हमें ज़रूरत होगी राइजोबियम कल्चर की, जिसमें राइजोबियम जीवाणु होता है। यदि हम सब्जी वर्गीय फसलों के बीजों को उपचारित करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी एजोप्टोबैक्टर कल्चर की, जिसमें एजोप्टोबैक्टर नामक जीवाणु होता है। तो आप समझ गए होंगे, जो राइजोबियम कल्चर वो हम दलहनी फसलों में यूज करते हैं, जैसे हमारे बरसीम, ग्वार, ढेंचा, लोबिया, मूंगफली इत्यादि जितनी भी दलहनी फसलें हैं उसमें हम राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करते हैं। एजोप्टोबैक्टर कल्चर का हम प्रयोग करते हैं सब्जी वर्गीय फसलों में, जैसे टमाटर, गोभी, मिर्च आदि फसलों में हम एजोप्टोबैक्टर जीवाणु का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कैसे करते हैं, जब भी हम किसी भी फसल की बुवाई करते हैं तो जिस फसल के लिए जौन सा कल्चर उपयुक्त है, हम वो मार्केट से लेके उसके बीजों को उपचारित करके बोते हैं। उपचारित करने का दोनों का एक ही तरीका होता है, तो दोनों का काम भी यही होता है कि वो वायुमंडल से भूमि में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो कैसे उपचारित करना है ये भी जान लेते हैं। यदि आप दलहनी फसलें को उपचारित करना चाहते हैं तो राइजोबियम कल्चर ले आएँ, और यदि आप सब्जी वर्गीय फसलों को उपचारित करके बोना चाहते हैं तो एजोप्टोबैक्टर कल्चर परचेज करके लाएँ। तो दोनों का तरीका सेम है, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बीजों को उपचारित करते हैं। देखिए, जो हमें आवश्यकता होगी, कोई सा भी कल्चर ले लें, 200 ग्राम कल्चर आपको मार्केट से परचेज करके लाना है, चाहे वो राइजोबियम कल्चर हो चाहे एजोप्टोबैक्टर कल्चर हो। अब उसको उपचारित करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ को गर्म करेंगे, जिससे वो उसमें आसानी से घुल जाए। जैसे वो गुड़ घुल जाए गर्म होने पर, तो उस पानी को हम एकदम ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने पर
अब उस पानी में हम क्या करेंगे, 200 ग्राम जो हमारा कल्चर है, चाहे वो एजिप्टोबैक्टर कल्चर है या राइजोबियम कल्चर है, उसको उसमें अच्छे से घोल लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि पानी एकदम ठंडा होने के बाद ही हम उस राइजोबियम कल्चर या एजिप्टोबैक्टर कल्चर को उसमें डालेंगे, वरना यदि आप गर्म पानी में डाल देंगे तो जो जीवाणु हैं वो मर जाएंगे। तो इसलिए ठंडा होने पर उस पाउडर को उसमें घोल लें। घोलने के बाद 1 एकड़ के लिए जितना भी आपको बीज चाहिए उस बीज पर उपचारित कर लें, यानी कि 1 एकड़ बीज को उपचारित करने के लिए उतना कल्चर पर्याप्त रहता है। तो उस बीज पर अच्छे से छिड़क कर उस कल्चर को, और एक लेयर चढ़ा दें अच्छे से उसको मिला कर, और उसको छाया में सुखाएं। छाया में इसलिए सुखाते हैं क्योंकि धूप में सुखाएंगे तो जो जीवाणु हैं वो नष्ट होने का खतरा रहता है, यानी कि उनके मरने का खतरा रहता है। इसलिए उन्हें छाया में सुखा कर और बस 5 से 7 मिनट या 10 मिनट तक सुखाएं, उसके बाद जल्दी से जल्दी उनको की बुवाई करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब हम बीज को उपचारित करके खेत में बोते हैं तो पौधे की जड़ों के पास वो जीवाणु रहते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में फिक्स करते रहते हैं, जिससे पौधे के में जो नाइट्रोजन की पूर्ति होती रहती है, साथ में जो फास्फोरस के जो तत्व हमारी भूमि में पड़े होते हैं उन्हें भी पौधे के लिए अवेलेबल कराते हैं। तो ये एकदम सेफ तरीका है और काफ़ी अच्छा तरीका है, इसको आप ज़रूर प्रयोग करें। और ध्यान रखें कि आप जब भी कल्चर परचेज करके लाएँ वो पैकेट खुला ना हो, उसकी एक्सपायरी डेट आप ज़रूर चेक कर लें, और जब भी आप पैकेट को खोलें उसके बाद उसको तुरंत यूज कर लें, और बीजों को उपचारित करने के बाद जल्दी से जल्दी उनकी बुवाई कर दें। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे आप फास्फोरस की और नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति फसलों में कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य किसानों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। फिर मिलूंगा आपको एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।